सब्सक्राइब कीजिए यूथ ग्लोबल नेटवर्क को और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम सवाल ना पूछ लेते हैं कि खेतिहर मजदूर जिसको उसकी दिहाड़ी नहीं दी जाता, उसका हम लोग बोलते हैं मुंबई में कि वो नहीं देते हैं ठीक से सवाल के लोग, तो वो जो लोग जाने वाला है खेत में काम कर रहा है उसके पेट में नया अनाज नहीं पहुंचता। हम ये सवाल पूछ लेते हैं कि हम ये सवाल पूछ लेते हैं कि काम करने वाले का बच्चा जेल पहुंच कर जब पीएचडी का करता है तो उसको रोजगार नहीं मिलेगा, ये सवाल हम पूछ लेते हैं। और ये सवाल हम पूछ लेते हैं तब हमको लगता है कि इसके सवाल को देश विरोधी सवाल पूछ लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात कर रहा हूं, मैं कोई मलेशिया की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान के समाज की बात कर रहा हूं, यहां जो गरीब किसान मजदूर है उनकी बात कर रहा हूं, जो दलित पिछड़े आदिवासी है उनकी बात कर रहा हूं, जो गरीब किसान मजदूर महिला है बच्चे है उनकी बात कर रहा हूं, तो मैं देश की बात ऐसे नहीं कर रहा क्योंकि इनका जो देश का नजरिया है और हमारा जो देश का नजरिया है उसमें ज्यादा अंतर है, उसमें ज्यादा फर्क क्या है कि हम कहते हैं कमाने वाला खाएगा लूटने वाला आ जाएगा, और ये कहते हैं कि लूटने वाला हमारा पीठ थपथपा रहा है। अब आप एक तस्वीर देखते होंगे कि मोदी जी का पीठ थपथपा रहा है और कैसे कह रहे हैं कि चलिए मोदी जी जरा हमारा जियो का पर्चा हटा दीजिए। तो ये देश के प्रधानमंत्री घूम घूम करके सिम बेच रहे हैं। भाई साहब, इस देश की जनता ने आपको वोट दिया था महंगाई कम करने के लिए, भ्रष्टाचार कम करने के लिए, काला धन वापस लाने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए और समाज में सौहार्द का कायम करने के लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप दिमाग के सवाल करते हैं और दुनिया का चक्कर लगाते हैं और जब घूम करके आते हैं तो बाबा जी के ज्ञान लेकर के सीन बेचने जाते हैं। तो जब ये जो आप काम करते हैं उस पर जो जवान है वो सवाल उठाएगा, वो सवाल पूछेगा, और वो जो सवाल पूछेगा तो उस सवाल को झटकाने के लिए आप कहेंगे कि ये लोग पाकिस्तान का समर्थक है। मोदी जी, पाकिस्तान का समर्थक नहीं है, हम बिहार के लोग हैं, देश की आजादी में बिहार के लोगों ने जान दिया है, कुर्बानी दी है और आज भी पूरे देश में घूम घूम करके इस देश की अर्थव्यवस्था का पहिया हम घुमाते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों के हर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था की गति को आगे बढ़ाते हैं। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान से हम लोग पहले लड़ रहे हैं। लेकिन आप बोलते हैं, आप इसलिए बोलते हैं कि आपको लगता है कि एक गरीब का बच्चा जब गरीबी की बात करेगा, एक बिहार का बच्चा जब बिहार की उन्नति की बात करेगा तो इनका पोल पट्टी खुल जाएगा और इस पोल पट्टी को खुल ना जाए इसके लिए तरह तरह का तपाशा करते रहते हैं। आजकल इन्होंने नया तपाशा किया, कहते हैं कि हम लोग सेना का प्रयोग करते हैं। मोदी जी, हम ऐसे घरों से आते हैं जो खेतों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और नौकरी के नाम पर हमारे भाइयों को, हमारे परिवार के लोगों को सेना में नौकरी मिलती है। आपको अगर बहुत प्रेम है सेना से, तो एक सवाल आपको पूछना चाहते हैं कि आपने जो विकलांगता पेंशन है, सेना में जो लोग घायल होते हैं, विकलांग होते हैं, उनके पेंशन को आपने क्यों किया, कम क्यों किया, ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। और हम सवाल पूछना चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पे आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं, आगे एक बार हमारे साथ चलते हैं दोनों आदमी बॉर्डर पे, दो
और ये सवाल जो है, ये सवाल जो देशद्रोही देशभक्ति का है, उसमें एक बात मैं आप सब लोगों के सामने पूरे खुले मन से बोल देना चाहता हूं कि इस देश में क्या देशभक्ति है और क्या देशद्रोह है, इसको अगर कोई तय करेगा तो वो हमारा संविधान तय करेगा। और हमारा संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, और जो लोग भारत की बात करते हैं, इस देश की बात करते हैं, उनको इस देश के लोगों की बात करनी पड़ेगी। 125 करोड़ लोगों के हक और अधिकार की बात करनी पड़ेगी। उनकी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और उन संघर्षों को दूर करना पड़ेगा। और इस नजरिए से जब हम देखते हैं तो हम मानते हैं कि जो किसान खेतों में किसानी कर रहा है वो देशभक्त है, जो मजदूर खेतों में दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है वो देशभक्त है, जो मजदूर फैक्ट्रियों में अपनी जान दे रहा है वो देशभक्त है, जो टीचर विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो देशभक्त हैं। और ये तमाम लोग जो लाठी लेकर राइफल लेकर आपकी सुरक्षा में खड़े हैं ये लोग देशभक्त हैं, जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करता है वो लोग देशभक्त हैं। और देशद्रोही कौन है? देशद्रोही वो है जो देश के संविधान को नहीं मानता है। देशद्रोही वो है जो कहता है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। जब संविधान ने हमको आरक्षण का अधिकार दिया है तो आरक्षण के खिलाफ जब आप बोलते हैं तब आप देश के खिलाफ बोलते हैं। और आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत बोला था कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, इसलिए वो देशद्रोही है, हम देशद्रोही नहीं है। ये सवाल जब इस देश की जनता ने आपको वोट दिया और इस नाम पे वोट दिया कि आप 15 लाख रुपया उनके खाते में पहुंचाएंगे, और जब आप अपने वादा खिलाफी करते हैं, अपने वादे से मुकरते हैं और झूठ मूठ का मुद्दा उछाल करके चुनाव जीत करके जनता को भूल जाते हैं, लाखों करोड़ों का घोटाला करते हैं, आप देशद्रोही हैं। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए कि कोई इंसान अगर देश की अर्थव्यवस्था में चोरी बेईमानी कर रहा हो तो वो देश का नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और अभी दाल की बात हमने की थी, दाल के खरीद बिक्री में 1,98,000 करोड़ का घोटाला किया गया है। और ये घोटाला करने वाले कौन है? ये घोटाला करने वाले हैं मोदी जी के सबसे प्रिय अदानी जी। और ये अदानी जी 1,98,000 करोड़ का दाल घोटाला कर लेते हैं और इस पर चूसकर सरकार के द्वारा नहीं बोला जाता है। मोदी जी ने कहा कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। सरकारी आंकड़ा बताता है, सरकारी आंकड़ा कि इस साल सबसे कम रोजगार पैदा हुए और सबसे ज्यादा बेरोजगार पैदा हुए। और एक साल में 1,35,000 करोड़ मात्र रोजगार पैदा किया। ना रोजगार पैदा हुई, ना आपके खाते में 15 लाख रुपया आया, ना महंगाई कम हुई, ना दलितों और पिछड़ों आदिवासियों और महिलाओं पर अत्याचार कम हुआ। मुझे बताइए कि किसका अच्छा दिन रहा है? हमको लगता है कि इस देश की जो गरीब जनता है, इस देश की जो जमहूरियत है, इस देश के जो अकलियत के लोग हैं, जो दलित पिछड़े आदिवासी लोग हैं, उनका अच्छा दिन तो नहीं आया है। अच्छा दिन किसका आया है? जो देश में जियो इंडिया कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ट्वीट करने से देश बदल जाएगा, जो कह रहे हैं कि सूट बदलने से देश बदल जाएगा, जो कह रहे हैं कि अलग अलग देश को बदल करके घूमने से देश बदल जाएगा, उनका अच्छा दिन आया है। और हम उनसे ये बात कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हमने जो लड़ाई छेड़ी है, साथी रोहित बेमुला के सपने का जो समाज बनाने का संघर्ष हमने छेड़ा है, इस संघर्ष को हम झुकने नहीं देंगे। और हमारा जो संविधान का अधिकार है बराबरी का, न्याय का, उसको हम कम नहीं होने देंगे। और हम समाज में समाज को तोड़ने की बात नहीं करते, हम बार बार समाज को जोड़ने की बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे थे, एक हमारे जानकार हैं मैथिल ब्रह्मा जी, एक बार आए हमारे यहाँ जेडीयू में, बोले सब बात तो ठीक है कन्हैया जी, लेकिन
आप लोग ब्राह्मण वाद मूलवाद क्यों कहते हैं? हमने कहा पंडित जी आप गुस्सा में बेकार हैं, आप तामस खाना थोड़ा कम। हम बताते हैं कि ब्राह्मणवाद का मतलब क्या होता है। हम ब्राह्मणवाद मूलवाद बोल रहे हैं, ब्राह्मण मूलवाद नहीं बोल रहे हैं। ये बात को आप समझिए कि जो लोग समाज के अंदर ऊंच नीच में विश्वास करते हैं, जो लोग कहते हैं कि पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकता, जो लोग कहते हैं कि संविधान ने तो हमको बराबरी का हक दे दिया लेकिन समाज में बराबरी कभी लागू नहीं हो सकती, वो सब लोग ब्राह्मणवादी हैं। जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिया जा सकता, जो लोग कहते हैं कि दलितों को ब्राह्मणों के बराबर अधिकार नहीं दिया जा सकता, जो कहते हैं कि अति पिछड़ों को पिछड़ों के बराबर अधिकार नहीं दिया जा सकता, वो सब लोग ब्राह्मणवादी हैं। और ये व्यवस्था ब्राह्मणवादी है। और इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में कमाने वाला जो होता है, चाहे वो खेतों में काम कर रहा हो या कहीं भी मजदूरी कर रहा हो, उसको उसका उसका श्रम का कीमत नहीं दिया जाता है। और जो लूटने वाले होते हैं वो दिनों दिन मोटा होते जाते हैं, बुआरी मछली की तरह।